नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। पहले नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के सभी हिस्से में ब्लैकआउट हो गया था। टाटा स्टील में चिंगारी उठती देख लोगों ने ये सूचना दी कि टाटा स्टील प्लांट के बैटरी नंबर 8 और 9 में कोई धमाका हुआ है, जिसके बाद बिजली कट गई। ये शहर में ब्लैकआउट पैदा कर दी, हर जगह बिजली कट गई। कोई हादसे को लेकर लोग व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया में डाला जा रहा, लेकिन टाटा स्टील ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, बिजली ज़रूर कटी है। टाटा स्टील ने कहा कि ब्लास्ट फर्नेस में किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है। चूँकि सेफ्टी के कारण ये प्रोटोकॉल है कि गैस को रिलीज़ किया जाना है, उसी प्रोटोकॉल के तहत ये गैस रिलीज़ किया जाता है। सरकार के नियम के मुताबिक गैस को जलाकर ही रिलीज़ किया जाना है। उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि शहर में लोगों को ये लग रहा है कि कोई हादसा हुआ है, बिजली ज़रूर कटी है। बिजली क्यों कटी है, इसके कारणों की जाँच की जा रही है। अभी आधिकारिक जानकारी का इंतज़ार किया जा रहा है। गौरतलब हो कि खबर मिली थी जमशेदपुर में टाटा स्टील, टाटा स्टील UISL और टाटा पावर के बीच ग्रिड में आई बड़ी गड़बड़ी के कारण अचानक से ब्लैकआउट हो गया। इस ब्लैकआउट के कारण टाटा स्टील के कई प्लांट, टाटा मुख्य अस्पताल की भी बिजली कट गई। टाटा स्टील UISL की ओर से बिजली को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि शाम करीब 7 बजे से अचानक पूरे शहर की बिजली कट गई। हर एरिया के साथ साथ TMH और टाटा मोटर्स अस्पताल समेत कई अस्पतालों की बिजली भी कट गई। चूँकि टाटा स्टील के वेतर और टाटा स्टील के TMH समेत अन्य अस्पतालों में वैकल्पिक इंतजाम रहा, इस कारण तत्काल बिजली का सप्लाई सामान्य हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली जब कटी तब जोरदार धमाका हुआ और कंपनी से चिंगारी देखी गई। हालांकि कंपनी की ओर से इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की गई कि ब्लैकआउट का कारण क्या था। इधर कुरहान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल NGM में शुक्रवार शाम 7 बजे के करीब अचानक बिजली गुल हो गई। अचानक अंधेरा छाने से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। ICU से लेकर इमरजेंसी, बर्न यूनिट, शिशु रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, सर्जरी सहित सभी विभागों में अंधेरा छा गया। इस दौरान लोग एक दूसरे से बिजली गुल होने का कारण पूछते रहे। बिजली गुल होने के कारण चिकित्सक भी कुछ देर तक बाहर निकल आए। वही मरीज मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाते दिखे, हालांकि गर्मी के कारण वो भी परेशान होते रहे। चिकित्सक भी मोबाइल की रोशनी में मरीजों को देखते रहे। वो बिजली गुल होने की सूचना जैसे ही अधीक्षक को मिली, वो तत्काल अस्पताल पहुंचे और संबंधित कर्मचारियों को जनरेटर चालू करने का निर्देश दिया। इसके बाद 7:30 बजे जनरेटर चालू किया गया, तब जाकर इमरजेंसी, ICU, बर्न और शिशु विभाग के इमरजेंसी में बिजली आई। हालांकि बाकी वार्ड और रेडियोलॉजी सेंटर में देर रात तक बिजली नहीं आई, जिसके कारण ना तो मरीजों का एक्सरे हो सका और ना ही अल्ट्रासाउंड। इस दौरान मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर TMH अस्पताल में भी करीब 40 मिनट तक बिजली गुल रही। डिवीसी का बिजली सप्लाई ठप होने के कारण टाटा स्टील और टाटा स्टील UISL की बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह ठप हो गई थी। टाटा स्टील UISL की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक बिस्टपुर, CH एरिया, नॉर्दर्न टाउन, कदमा और सोनारी के कुछ इलाकों में बिजली को रात 9:30 बजे के बाद शुरू किया गया, लेकिन शहर के आधा से ज़्यादा हिस्सों में बिजली रात 10:30 बजे के बाद तक भी आ सकी। TMH समेत अन्य अस्पतालों में बिजली की स्थिति को दुरुस्त किया जा चुका है। दूसरी ओर बिजली की सप्लाई ठप होने के कारण टाटा स्टील का उत्पादन भी रुक गया। टाटा स्टील के कई प्लांट में प्रोडक्शन पूरी तरह ठप हो गया। ब्लास्ट फर्नेचर को प्लांट के अलावा कई विभागों में अब तक प्रोडक्शन नहीं शुरू हुआ। करीब 3.5 घंटे से अधिक समय से प्रोडक्शन पूरी तरह ठप रहा। इसको लेकर कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। बताया जाता है कि बिजली कटी तो टाटा स्टील का पूरा प्लांट में ही बिजली कट गया, इसके बाद प्रोडक्शन बंद हो गया। इस कारण ब्लास्ट फर्नेस के गैस को भी रिलीज़ किया गया। गैस को रिलीज़ करने के दौरान फ्लेम जलाया जाता है, जिसके माध्यम से गैस को रिलीज़ किया जाता है। इसको लेकर आग की लपटें उठी, जिसको लेकर लोगों में ये संदेह हुआ कि कोई हादसा हुआ है, लेकिन कंपनी ने इस तरह के हादसे से इनकार किया और कहा कि ये सामान्य प्रोसेस है और प्रोटोकॉल का हिस्सा है। इस बीच टाटा स्टील में प्रोडक्शन बाधित रहा। करीब 20 सालों के बाद टाटा स्टील में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। टाटा स्टील के कई प्लांट में कामकाज ठप हुआ। इसको चालू करने के लिए विशेषज्ञों की टीम और कर्मचारियों को आपात स्थिति में बुलाया गया। इसको लेकर काम तेजी से चालू किया गया। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।